तो कुछ ऐसी हालत थी जापान की जब जापान राख का ढेर बन चुका था, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर दो दो एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे और उसके बाद जापान की जो कंडीशन हो गई थी वो अपने आप में हिस्ट्री की वर्स्ट कंडीशन थी। और जो सबसे बुरी से बुरी चीज़ हो सकती थी वो जापान के साथ होती रही। लेकिन फिर हुआ एक मिरेकल, ये राख का ढेर जापान सिर्फ 22 सालों में बन गया दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी इकॉनमी, जो कि अपने आप में शॉकिंग थी। और बड़े बड़े देश जापान से पिछड़ गए थे। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? कैसे नेपाल से सिर्फ 2.5 गुना बड़ा जापान, जिसकी हालत एकदम वर्स्ट थी, वो 22 सालों में बन गया एक डेवलप्ड नेशन और दुनिया की टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। तो जानिए वो सारे सीक्रेट्स कि जापान ने ये कैसे अचीव किया, साथ ही नेपाल इसको कैसे कर सकता है, साथ ही कैसे नेपाल उस वक्त के जापान से बेटर कंडीशन में, और क्या सिमिलैरिटीज हैं नेपाल और जापान, और साथ ही जानेंगे नेपाल भी कैसे एक जल्दी डेवलप नेशन बन सकता है, और क्या है वो तीन चीजें जो कि नेपाल को बना सकती हैं 10 से 20 साल में एक डेवलप नेशन। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे वो लेसन्स जो कि जापान से लेने चाहिए नेपाल को और दुनिया भर में हर एक डेवलपिंग नेशन को, और क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए जापान और जापानीज से, और यही सब रहने वाला है आज के चर्चा का विषय। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई ओवरस्टॉक। दोस्तों नेपाल को जापान से सीखने के लिए हमको जापान की कंडीशंस को जानना पड़ेगा। दोस्तों जापान के ऊपर जब 6 और 9 अगस्त 1945 में दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, उसके बाद जापान की जो हालत हो गई थी वो राख के ढेर के बराबर थी और जापान के पास कुछ भी बचा नहीं था। ना कोई रिसोर्सेज थे, ना ही फसलें थी, ना ही कुछ खाने को था, ना ही कोई इकॉनमी थी और ना ही हिम्मत थी, क्योंकि जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिर चुके थे और जापान वो वर्ल्ड वॉर टू हार चुका था, जिसके बाद कई करोड़ लोग जापान में एकदम से बेरोजगार हो गए, उनके घर भी तबाह हो गए। अचानक से बेरोजगारी पूरी तरीके से बढ़ गई थी, जीडीपी 50 से 60% तक गिर गई थी, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन 90% तक खत्म हो गए थे, और इन सब चीजों का एक भयंकर रिजल्ट देखने को मिला था जो कि थी गरीबी और भुखमरी, जो कि अपने आप में वर्ल्ड की वर्स्ट थी, और ऐसी कंडीशन में किसी भी देश के लिए जल्दी निकलना नामुमकिन के बराबर था। और साथ ही बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद अमेरिका ने जापान को अक्वायर कर लिया था और जापान बन गया था अमेरिका का एक टूल, एक हथियार जो कि एशिया पर कंट्रोल कर रहा था, और साथ ही जापान में अमेरिका ने आर्मीज को भी खत्म कर दिया था। लेकिन ये भी एक कारण और वजह बनी जिसके चलते जापान की सूरत बदलने लगी। लेकिन आप लोग ये भी कहोगे कि आर्मी खत्म होने से कैसे जापान बेटर हो सकता था? दोस्तों उसके पीछे रीजन था कि जापान पहले हथियारों और आर्मीज पर बहुत ज्यादा खर्च करता था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि अगर जापान एक सोल्जर पर एक साल में 10 लाख रुपए खर्च करता था, तो इन सोल्जर्स को बढ़ाकर अगर हम 1000 या फिर 1 लाख कर लेते तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट था, और इसके रिटर्न में गवर्नमेंट को मिलता था कुछ भी नहीं। और आर्मी खत्म होने के बाद यही पैसे एजुकेशन फील्ड में जापान की लगने लगे, तो उससे वो आदमी डेवलप करेगा, या तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री को इकोनॉमिक तौर से मजबूत करेगा, जिसके बाद वो टैक्सेस भी भरेगा जो कि गवर्नमेंट को मिलेंगे, और उससे पूरी तरीके से जापान का ही फायदा था। और इसीलिए आर्मी खत्म होना भी एक कारण था कि जापान की ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा तेजी से नजर आई। लेकिन नेपाल और कोई और कंट्री शायद ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने सोल्जर्स को खत्म कर दे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था कि जापान ग्रो किया जल्दी से। दोस्तों इसके पीछे कई प्लानिंग्स थी, साथ ही साथ कई सारी पॉलिसीज थी। सबसे पहले अमेरिका ने जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी लागू की जो कि थी डोजी फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसमें जापान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जापान की करेंसी येन को काफी हद तक कम किया गया मार्केट से। फिर उसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने अपना फोकस कर दिया कुछ कंपनीज के ही ऊपर जो कि थी स्टील की इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ कार की इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज। और इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका ने जापान पर बहुत सारे प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया था, जिसमें जापान फोकस किया इन इंडस्ट्रीज को बड़ा करने के लिए। और जापान की गवर्नमेंट ने एक मॉडल लाया जो कि था केरुजू मॉडल, और इसी मॉडल की वजह से जापान की सूरत बहुत ज़्यादा बदल गई, और ये मॉडल एक रेवोल्यूशनरी मॉडल था, और इसी मॉडल के चलते जापान की कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन के निकली, और ये मॉडल नेपाल को भी जापान से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जापान के इस मॉडल को ठीक से समझने के लिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है होंडा और ये बाइक बनाती है, ये बाइक बनाने वाली कंपनी कई और कंपनी के साथ टाई अप करती है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि उसको हेडलाइट चाहिए तो किसी और कंपनी से बनवा लेगी, साथ ही साथ उसको सीट चाहिए वो किसी और कंपनी से बनवाएगी, इन सभी चीज़ों को इन कंपनी से लेके असेंबल कर लेगी और बाइक को असेंबल करके बना के कस्टमर को बेच देगी। वो जो सारे प्रोडक्ट्स लेती जो छोटी छोटी कंपनी से लेती थी उन सभी को एक टेंडर देती थी जो कि 1 साल का होता था या फिर 2 साल का होता था, जिसके चलते उन छोटी कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जापान के केरुजू मॉडल में बिल्कुल अपोजिट होता था इसका। जापान की कंपनी में वो बाइक बनाने वाली मेन कंपनी जो छोटी छोटी कंपनीज होती थी उनके साथ ग्रुप करती थी, साथ ही साथ
उसके साथ ग्रुप में एक बैंक भी होता था अटैच्ड, जिस ग्रुप को ही केरेजू बोला जाता था। और ये ग्रुप एक साथ में काम करते थे। इन सभी कंपनीज की आपस में शेयर होल्डिंग भी होती थी, जिसके चलते इनका अपने आप में भी भरोसा ज्यादा होता था। साथ ही साथ इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो बड़े बड़े समय के लिए होते थे, 20 या 30 साल के लिए। वो कंपनीज छोटे कंपनी से प्रोडक्ट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती थी, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप एक साथ में काम करता था। साथ ही साथ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट 20 या 30 साल के होते थे, तो एक कंपनी को दूसरे कंपनी पर भरोसा होता था और वो ज़्यादा रिसर्च कराती थी जिससे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाए कम दामों पे, क्योंकि उनको पता था कि 20-30 सालों तक तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में रहना ही है, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसे खर्च कर पाते थे रिसर्च के लिए भी, और वो सब आपस में शेयर कर लेते थे। साथ ही जापान की एक कंपनी एक और मॉडल को फॉलो करती थी जो कि थी जस्ट इन टाइम, यानी कि ये प्रोडक्ट तभी बनाती थी जब उसका ऑर्डर आता था। जैसे कि टोयोटा कंपनी कार्स बनाती थी और एक कार का ऑर्डर आता था कि रेड कलर की टोयोटा की एक कार चाहिए, तभी उस कार के स्पेयर पार्ट्स को लेकर असेंबल किया जाता था और उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाता था। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन इससे बहुत सारे फायदे जापान की इन कंपनीज को होने लगे। सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को यह था कि उनको इसमें बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होते थे, जैसे कि उनको मैन पावर भी कम चाहिए होती थी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पहले से बना के नहीं रखे जाते थे, जिसके चलते वो प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो कोई भी वेस्टेज होती ही नहीं थी। तीसरी चीज़, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं करनी पड़ती थी, तो बहुत कम स्पेस इनको लगता था और ये छोटी सी एरिया में भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। साथ ही साथ उनको ज़्यादा मशीनरीज भी नहीं लगती थी, कम मशीनरी में ही उनका सारा काम हो जाता था। तो इस जस्ट इन टाइम से इन कंपनीज ने बहुत मोटे प्रॉफिट कमाए, और इन्हीं मॉडल के जापान की कार कंपनी टोयोटा ने 1955 में जो कि 20,000 कार सिर्फ बनाती थी, वो 1965 में 4-5 लाख कार तक बनाकर बेचने लगी और दुनिया की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन गई। इसी कारण की वजह से जापान की कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी दुनिया भर के मार्केट में छा गई, जैसे पैनासोनिक, सोनी, मित्सुबिशी, तोशिबा, टोयोटा और सैकड़ों ऐसी कंपनीज निकल के आई जो कि जापान से वर्ल्ड फेमस हो गई। और इसीलिए इन मॉडल्स के चलते ही 1968 में ही जापान वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बड़ी इकॉनमी को पीछे छोड़ दिया। साथ साथ जिस अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब डाले थे उसको भी जापान के लिए मार्केट अपनी खोलनी पड़ी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे थे और इतने ज़्यादा डिमांड में थे और आज भी हैं। साथ ही एक और चीज़ थी जो कि जापानीज लोगों को इतनी जल्दी आगे बढ़ने में मदद की, वो थी जापानीज लोगों का जुनून, साथ साथ उनकी मेहनत, उनका जज्बा। जापानीज गवर्नमेंट उनके वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, अच्छी सैलरी देती थी, साथ ही साथ अच्छे पर्क्स भी देती थी। वहीं आज हमारे देशों में प्रॉब्लम यह है कि आज किसी को भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वो गवर्नमेंट जॉब में जाता ही इसलिए कि उसको काम ना करना पड़े। लेकिन जापान के लोग बिल्कुल इससे अपोजिट हैं, गवर्नमेंट उनको अच्छे पर्क्स देती है लेकिन वो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते, और यही कारण था कि जापानीज हमेशा आगे रह गए और दुनिया पीछे रह गई। तो ऐसे ही कुछ समय के साथ जापान डेवलप्ड नेशन बना। तो अब नेपाल कैसे बन सकता है एक डेवलप्ड नेशन? तो नेपाल को अभी जल्दी डेवलप्ड नेशन बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? जो हर मेहनत के साथ हमें थोड़े सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे जापान की गवर्नमेंट उनके वर्कर्स को सपोर्ट करती थी, वैसे ही अगर आपका बिजनेस है नेपाल में या फिर इंडिया में और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, तो आप यूज़ कर सकते हैं ओवर स्टॉक के ऑथराइज ऑपरेटर्स की सर्विसेज को, जो कि प्रोवाइड करती हैं आपके जैसे बिजनेसमैन को, मर्चेंट्स को, साथ साथ इंडिविजुअल्स को अपने प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के जरिए वर्ल्ड लेवल पर सेल करने के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर जाकर आप बहुत तरह की सर्विसेज इनसे ले सकते हैं जो कि आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट को ओवरसीज मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने का। आपको बता दें कि इस कंपनी को एक्सपीरियंस है कई सालों का ओवरसीज मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचने का। इनका अपना एक मैनेजमेंट है जो कि आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, अगर नेपाल 10 या 20 सालों में डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है तो नेपाल को तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला चाहिए नेपाल को फ्री एजुकेशन, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हमने देखा जापान के केस में कैसे एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है एक देश की इकोनॉमी पर, और अच्छी फ्री की शिक्षा सबसे पहली नेपाल की रिक्वायरमेंट है उसको एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ है नेपाल के बच्चों के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग को ज़्यादा डेवलप करना, ऐसी सोच विकसित करना जो कि इनोवेटिव सोचने की हो, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की हो, ना कि सिर्फ रटने की हो और मार्क्स लाने की हो। और तीसरी चीज़, नेपाल के यूथ को जॉब मॉडल से एंटरप्रेन्योर मॉडल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर शिफ्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब देने वाला है ही नहीं। और अगर नेपाल में एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल्स पर भी। मैं बहुत सारे नेपाली एंटरप्रेन्योर को सामने आके रखता हूँ जो कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सकते हैं आप सभी के लिए। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था नेपाल हाइड्रोजन के ऊपर, जो अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, उसका डेवलपमेंट नेपाल में कैसे हो सकता है उसके ऊपर ये वीडियो था। आप स्क्रॉल करके देखिएगा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आप ज़रूर देखिए वो सारे वीडियोस को, उनसे इंस्पायर हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। तो अब जानते हैं वो इंपॉर्टेंट लेसन जो कि जापान से हर किसी को सीखने चाहिए और नेपाली को भी सीखना चाहिए। और जापान से सबसे बड़ी सीख हमको ये मिलती है कि प्राइड एक कॉस्ट के साथ आती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो उसकी एक कीमत है आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जापान के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा उसी देश से हेल्प लेना जिस देश ने उसके ऊपर बॉम्ब गिरा के उसकी ऐसी हालत की, यानी कि अमेरिका। वो कहीं ना कहीं देखे तो जापान के गौरव को कम करती थी कि उसी देश से हेल्प लेना जिसने तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिराया कितना ज़्यादा अटपटा लगता है। लेकिन जापान उस गौरव के खिलाफ जाते हुए अपने लोगों की बेहतरी के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और हेल्प लेता है उसी देश की जिसने उसके ऊपर बॉम्ब भी गिराए थे। तो कहीं ना कहीं उस घटिया पोजीशन से निकल कर वो जापान दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकॉनमी बन के भी दिखाए। साथ साथ जो सेकंड चीज़ जापान ने सिखाई वो ये थी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना हमेशा आपकी इकॉनमी को ज़्यादा बेटर करेगा और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करेगा जिसकी ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जापान से सीखने को मिली वो मिली जापानीज लोगों की मेहनत, उनका एटीट्यूड। ये चीज़ सीखने को मिली कि कैसे एक एटीट्यूड ही एक देश की किस्मत को बदल सकता है। आज कोई भी देश अगर वहाँ के लोगों के अंदर में ग्रोथ का एटीट्यूड नहीं होगा तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती और वो कंट्री कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकती। तो सभी लोगों को ग्रोथ और मेहनत का एटीट्यूड तो ज़रूर रखना चाहिए। इसीलिए आप लोगों का भी एटीट्यूड अच्छी ग्रोथ के लिए होना चाहिए। इसीलिए बड़े सपने देखो, बड़ी चीज़ें देखो, बड़ी चीज़ करने की ट्राई करो और हर चीज़ पर हर फील्ड में मेहनत करो जहाँ पर भी आपको, क्योंकि वही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल बनाएगा, साथ ही आपके देश को भी सक्सेसफुल बना के रहेगा। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक शेयर ज़रूर कीजिए, उसको एक सोर्स मिल पाए और वो सही जगह तक पहुँच पाए। तो फटाफट से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इसको लाइक कर लो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद NI News।